दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर सोमवार की सुबह 11 बजे संवाद भवन में एकात्म मानव दर्शन की वैश्विक प्रासंगिकता विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने दीनदयाल जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मानव ही अपने अधिकारों व कर्तव्यों को नहीं समझ पाते हैं। दीनदयाल जी ने अपने एकात्मकता के दर्शन के माध्यम से अंत्योदय अर्थात निचले पायदान पहुंचने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि उनके विचारों पर चिंतन मंथन का व्यवहारिक रूप से कार्यान्वित करना ही सही श्रद्धांजलि होगी। मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर आज की इस कुछ किनारे हो चले गए, कुछ अभी संघर्ष कर रहे हैं, सबके बीच में अल्टीमेट सबको वहीं जाना है जो सागर है, और वो सागर है एकात्म मानव दर्शन ही। उसी विषय को लेकर आज यहाँ दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर उनके विचारों को हम आत्मसात कर सकें, हम अपने अंदर वो भाव पैदा कर सकें जिससे कि पूरी मानवता का कल्याण हो सके, ऐसे विचारों को लेकर आज हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें प्रसन्नता है, हम आभारी हैं कि ऐसे मनीषी के जीवन प्रसंगों के संबंध में दो शब्द कहकर अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर आज मुझे मिल रहा है। निश्चय ही आज का यह दिन बड़ा ही प्रेरक और उत्तेजक भी है। मैंने उनके संपूर्ण समग्र जीवन को कहते यथा नाम तथा गुण, उनके नाम में जितने अक्षर हैं, शायद 12 अक्षर लेके करते देखिए, उन 12 अक्षरों से प्रारंभ एक कविता का सृजन किया है, शायद ध्यान से सुनेंगे तो ये अक्षर प्रतिनिधित्व करते हुए उनके व्यक्तित्व का उजागर करते हुए बोलते हुए हैं, ऐसा आपके लिए अपनी संकल्पना है, आपको क्या लगता है। देखिए इन शब्दों से, इन अक्षरों से अक्षर ब्रह्म का स्वरूप होता है, इनसे उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनसे शक्ति की याचना करते हुए कि हमें वो शक्ति दें कि हम आपके जीवन दर्शन पर दो शब्द कुछ कह सकें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस कविता को नामाक्षरी शब्द चित्र कहते हैं। नाम में जितने अक्षर हैं उनसे प्रारंभ है, ऐसे होगा दीना दयाला, इस तरह से मैं पढ़ता हूं। देखिए ये छंद दोहा है, दीप शिखा ज्योतिर्मय है पंडित दीन दयाल, नवमंडल में गूंज रही तो वाणी अमर त्रिकाल, दमन नीति के प्रतिरोधत्वम जन जन के हितकारी, याज्ञवल्क्य सम तपो निश्चय पावन कीर्ति तुम्हारी।
लघु जीवन में महिमा मंडित चिंतक सरल सुजान उपाध्याय तुम उदार चेता राष्ट्रभक्त मतिमा पालक पोषक मानवता के शिल्पी कुशल महान ध्येय मार्ग पर नित्य निरंतर क्रियाशील गतिमान याद आ रहे हो तुम अभी कीर्ति शेष छवि धाम यज्ञ रूप है तुम्हें समर्पित वंदन नमन वंदन।